हेलो दोस्तों फ्रेंड्स, क्या हाल है सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोग ढूंढ रहे हो कोई ऐसी गेम जो कि आप लोग PSP पे खेल सको, लेकिन आप लोगों को याद आता है कि आप लोगों के पास PSP नहीं है, तो आप लोग सही जगह पे आए हो। यानी कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 10 PSP गेम्स जो कि आप लोग अपने PPSS PP एमुलेटर में खेल सकते हो अपने एंड्रॉयड या iOS डिवाइसेस के अंदर। तो ये गेम्स काफ़ी ज़्यादा शानदार रहने वाले हैं, काफ़ी अच्छी और काफ़ी एडिक्टिव गेम प्ले के साथ काफ़ी तगड़ी स्टोरी इन गेम्स की आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा, अगर मैं दूसरे चैनल यानी रबील गेमिंग को अभी तक जाके सब्सक्राइब नहीं मारा तो जल्द से जाकर वहाँ पर सब्सक्राइब मार लो और वहाँ पर वीडियो देखने लग जाओ। तो बस दोस्तों, अब सीट बेल्ट कस लो, वीडियो शुरू करने वाले हम आज का वीडियो। दोस्तों, नंबर फर्स्ट में हमारे पास निकल के आता है मॉन्स्टर हंटर। अब यहाँ पे ये एक PSP का टाइटल तो होने वाला है, लेकिन ये गेम हम लोगों को PC और कॉन्सोल पे भी देखने को मिलती है। अब गेम के नाम में ही है जैसे कि मॉन्स्टर हंटर, तो गेम का काम भी यही होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को एक एंशियंट एरा दिखाया जाएगा जहाँ पे हर तरफ मॉन्स्टर्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ड्रैगन वगैरह हैं, और आप लोगों ने उनसे लड़ना है, फाइट करनी है, उनको कैप्चर करना है। और आप लोगों का जो करेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और काफ़ी ज़्यादा एलियन टाइप आप लोग कह सकते हो कि वो बंदा है, और बहुत ज़्यादा तगड़े वेपन भी हैं उसके पास, और बहुत ज़्यादा आप लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट भी देखने को मिलेगा। गेम का साइज़ है 1.2 GB, और ये गेम तो ऑफलाइन रहेगा ही रहेगा क्योंकि आप लोग अपने एमुलेटर में खेल रहे हो। अगर इसी के साथ में बढ़ा जाए, आगे बात की जाए इसके नंबर सेकंड गेम की, तो निकल के आता है परसूट फोर्स। अब ये वाला जो गेम है ना, ये आप लोग कह सकते हो आप लोगों को मूवीज की याद दिला देगा। यानी कि यहाँ पे ऐसे सीक्वेंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि आप लोगों का जो करेक्टर है ना वो एक फोर्स में है, यानी कि एक पुलिस टाइप की फोर्स है जिसका नाम है परसूट फोर्स। और उसका काम यह है कि जो भी भाई क्रिमिनल्स भाग रहे होते हैं ना या एस्केप कर रहे होते हैं उनको टेक डाउन करना। कभी आप लोग गाड़ी चलाते हुए उन पर गोलाबारी करे होगे, कभी आप लोग किसी फाइटर ट्रक में होगे, कभी आप लोग किसी पुलिस वैगन में होगे, और भाई बस उनको चेस करे और उनको टेक डाउन करे। गेम का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अच्छे खासे ग्राफिक्स हैं अच्छे लेवल के, और साइज भी छोटा सा है, यानी कि 660 MB का गेम रहने वाला है, और मज़ा आएगा आप लोगों को गेम खेल के। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इसी के साथ में आगे, बात करते हैं इसके नंबर थर्ड गेम की, तो निकल के आता है स्कूबी डू हूज वॉचिंग हु। अब यहाँ पे भाई मेरे तो सबसे ज़्यादा फेवरेट कार्टून निकल के आते हैं, यानी कि स्कूबी डू, जो कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा देखता था, और होना हो आपने भी कभी ना कभी देखे ही होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे वही वाले करेक्टर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि शैगी, स्कूबी डू और बाकी सारे करेक्टर्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और आप लोग एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे गोश्त हैं, और आप लोगों ने भाई साहब मिलकर मिस्ट्रीज सॉल्व करनी है, और भाई साहब उन गोश्त को पकड़ना है, वो भी एक बहुत ज़्यादा मज़े की एडिक्टिव और काफ़ी फनी इन्वायरमेंट के अंदर। गेम का साइज है 398 MB, यानी कि 400 MB का राउंड अबाउट गेम आप लोगों को देखने को मिलेगा, और तगड़ा गेम है, एक दफ़ा जरूर से खेलना। तो देखिए और समझो ना, इसी के साथ में बढ़ा जाए आगे, बात की जाए लिस्ट के नंबर फोर्थ गेम की, तो वो निकल के आता है हेलबॉय। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को हेलबॉय के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, यानी कि आप लोग मूवीज़ तो देख ही चुके हो पहले ही इस करेक्टर की। तो आप लोगों को सेम करेक्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा फन और एडवेंचर देखने को मिलेगा, बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर हैं जिनसे आप लोगों ने फाइट करनी है, और भाई साहब अपना रोल निभाना है। गेम का साइज है यहाँ पे 620 MB, काफ़ी तगड़ी स्टोरी है, काफ़ी सब के कट सीन्स आते हैं गेम के अंदर, और बहुत मज़ा आता है गेम खेल के। तो दोस्तों, हम इसी के साथ में चलते हैं, हम आगे बात करते हैं इसके नंबर फिफ्थ गेम की, तो निकल के आता है गैंग्स ऑफ लंडन। अब दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे होते हो भाई GTA स्टाइल का कोई गेम जो कि आप लोगों को अपने एंड्रॉयड या iOS डिवाइस पे देखने को मिल जाए, तो ये गेम आप लोगों के लिए डेफिनेटली बेस्ट होने वाला है। ये में आप लोगों को बहुत ज़्यादा तगड़े और काफ़ी ज़्यादा सारे मिशन देखने को मिलेंगे, GTA स्टाइल के आप लोगों को ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, आप लोग व्हीकल चला सकते हो, और वही गैंगस्टर वाला इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, और गैंगस्टर वाली स्टोरी देखने को मिलेगी। गेम का साइज है 1.1 GB, पर तगड़ा गेम है, एक दफ़ा खेलोगे तो दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। तो दोस्तों, चलते हैं इसी के साथ में आगे, बात करते हैं लिस्ट के नंबर सिक्स गेम की, तो वो निकल के आता है एब्सोर द आफ्टर मैच। अब यहाँ पे ये दोस्तों निकल के आता है हमारे पास एक हॉरर वाला गेम। तो अगर आप लोगों को भाई ऐसे डरावने गेम्स पसंद होते हैं जिनमें एक हॉरर स्टोरी हो और आप लोगों को डर वर लगे, तो ये गेम आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाला है। गेम में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी और अच्छी हॉरर स्टोरी है, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। गेम का बैकग्राउंड साउंड, गेम की स्टोरी लाइन, गेम का एनवायरनमेंट, गेम के ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा तगड़ी हैं, सारी की सारी चीज़ें एक दफ़ा खेलोगे तो आप लोगों को ज़रूर से ही पसंद आ ही जाएगा गेम। गेम का साइज है 700 MB, और ऑफलाइन तो रहेगा ये भी लिस्ट के बाकी सारे गेम्स की तरह। तो चलते चलते दोस्तों, निकल के आ गया लिस्ट का नंबर 7 का गेम, जो कि है Ben 10 अल्टीमेट एलियन कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। अब अगर आप लोग भाई Ben 10 सीरीज़ के फ़ैन हो और Ben 10 के गेम खेलना चाहते हो अपने मोबाइल डिवाइस के ऊपर, तो ये गेम आप लोगों के लिए निकल के आता है। गेम के ग्राफिक्स काफ़ी तगड़े हैं, गेम में आप लोगों को Ben 10 अल्टीमेट वॉच देखने को मिलेगी, यानी कि आप लोग अपने जो मॉन्स्टर्स हैं, जो आप लोग के एलियन हैं, उनको अल्टीमेट एलियन बना सकते हो, और बहुत ज़्यादा मजे कर सकते हो। गेम में तगड़ी स्टोरी है, यानी कि आप लोगों को इन्विजन हो गई है वर्ल्ड के ऊपर,
और भाई आप लोगों ने भाई लड़ना है एलियंस के साथ और बहुत ज़्यादा मजे करने हैं। गेम का साइज यहाँ पे रहने वाला दोस्तों पूरा का पूरा 1.4 GB, और ये गेम भी ऑफलाइन है और ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। तो गाइस अब चलते हैं इसी के साथ में आगे, बात करते हैं लिस्ट नंबर 8 गेम की। तो वो निकल के आता है हमारे पास असैसिन क्रीड ब्लडलाइन। अब असैसिन क्रीड की जो गेमर है वो हम में से बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, लेकिन भाई साहब हमारे पास असैसिन क्रीड का सिर्फ एक ही ऑफिशियल गेम है जो कि निकल के आता है अपने डिवाइस के ऊपर, जो कि है असैसिन क्रीड आइडेंटिटी। लेकिन वो बहुत सारे लोगों की डिवाइसेस पे चलता ही नहीं है और सही तरह वर्क नहीं करता। तो उसका एक बहुत ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव है आप लोगों के पास, असैसिन क्रीड ब्लडलाइन। अब इस गेम में बहुत ज़्यादा तगड़ी स्टोरी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ गेम प्ले है, बहुत अच्छा एक्शन है, बहुत अच्छे कट सीन हैं, और भाई आप लोगों को मज़ा आ जाता है यार गेम खेल के। गेम का साइज है 800 MB, गेम ऑफलाइन है, और अगर आप लोगों को बनना है असैसिन और मारनी है लीप ऑफ फेथ तो ये गेम आप लोगों के लिए डेफिनेटली बेस्ट है। तो चलो फिर दोस्तों बढ़ते हैं लिस्ट में आगे, बात करते हैं 9th नंबर के गेम की जो निकल के आता है, प्रिंस ऑफ पर्शिया रेवोल्यूशन। अब हो ना हो प्रिंस ऑफ पर्शिया के बारे में तो हम सब ने ही सुन के रखा ही होगा, यानी कि भाई स्टार्ट में हम लोगों को सबको ही प्रिंस ऑफ पर्शिया बहुत ज़्यादा पसंद थी और इसकी स्टोरीज हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। यानी कि एक वॉरियर है जो कि निकला हुआ है अपने लिए और अपने लोगों के लिए फाइट करने, और उसके बीच में यानी रास्ते में बहुत ज़्यादा एनिमीज इनकाउंटर होता है और भाई बहुत ज़्यादा तगड़ी फाइट होती है और बहुत ज़्यादा गेम में एक्शन है। आप लोगों के जो करेक्टर है यानी प्रिंस है वो बहुत ज़्यादा एबिलिटीज उसके पास है, वो दीवारों पर चल सकता है यार, लिटरली दीवारों पर साइड वॉक कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जंप्स मार सकते हैं और बहुत कुछ कर सकता है। गेम का साइज 1.2 GB, अच्छी स्टोरी है, एक दफ़ा खेलोगे तो डेफिनेटली पसंद आएगा ही आएगा। तो चलो फिर दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ में आगे, बात करते हैं इसके लास्ट यानी नंबर 10 गेम की। तो वो निकल के आता है फाइनल फैंटेसी टाइप 0। अब ये भी एक बहुत ज़्यादा तगड़ा गेम निकल के आता है हमारे पास फाइनल फैंटेसी वाली फ्रेंचाइज की तरफ से, जो कि ऑफिशियली आप लोगों को कॉन्सोल और पीसी के ऊपर तो नहीं देखने को मिलता है लेकिन पीएसपी पे देखने को मिलता है। गेम की ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, एनवायरनमेंट अच्छा है, स्टोरी लाइन बहुत तगड़ी है, और वही फाइनल फैंटेसी वाला एनवायरनमेंट आप लोगों को सारा देखने को मिलेगा, यानी कि एंशिएंट एरा वाले सारे के सारे आप लोगों को ग्राफिक्स और बहुत ज़्यादा मज़ा देखने को मिलेगा। गेम का साइज यहाँ पे है दोस्तों पूरा का पूरा 2 GB और गेम ऑफलाइन है। तो बस दोस्तों ये थे वो सारे के सारे गेम जो कि आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताए थे। होप करता हूं आपको अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी जल्दी कर दी वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली दफा आया तो सब्सक्राइब किए बिना तो कहीं मत जाना, और मेरे दूसरे चैनल यानी बिल गेमिंग को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी सब्सक्राइब करो और गेम प्ले वहाँ पे देखो। और बस मेरा नाम है बिल, मिलता हूं आप लोगों को इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखो अपना ख्याल और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय यानी गुड। It's with us!